So it's from group A, practical number 6, that is MySQL cursor. Last practical from MySQL. So exactly what is cursor? A cursor, it is an pointer or a context area where the output of your SQL query is stored. And it will work like a pointer, means it will read a row, one by one, apply the operations that you want to perform on each and every row, and then it will store the output. Okay, cursor yani exactly kya hota hai? It's a very simple concept. Cursor ke andar, jaise example ho. Hello sir. Please mute yourself, students. Suppose example, this is an area which I call it as a temporary area. Okay, temporary area hai. Aur jaise hum select query likhte hai yaha pe, agar maine select query likha hai yaha pe, select star from like customer, select star from customer or any table. तो उसका जो भी आउटपुट रहेगा वो आउटपुट रीड होता है. ओके, एंड इट विल गेट स्टोर्ड इन दिस टेम्पररी एरिया. यहाँ पे उसका आउटपुट स्टोर होगा. अगर सपोज कस्टमर टेबल के अंदर 10 रोज है, इट हैविंग अ 10 रोज, सो ये पूरे के पूरे 10 रोज जो होते हैं वो इस टेम्पररी एरिया में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे रोज स्टोर हो जाएंगे. और यहाँ पे क्या होगा कि the cursor will like it will come here ki cursor jo hai first row jo rahegi aapki yahan pe very first row 10 rows mein se first second third fourth aise sab aapke rows yahan pe temporary area mein store ho gaye hai to cursor will work like a pointer. It will work like a pointer which is pointing to this temporary area. उसमें के first row को वो point करता है. Okay? और एक loop लगाता है. Loop लगाता है. ये loop तब तक चलेगा जब तक उसको इस particular temporary area में rows मिलते जाएंगे. Okay? जैसे ही उसको last वाले row पे जाएगा, वो last row के बाद यहाँ पे कुछ भी data नहीं. It will be the end of that temporary area. तो जैसे ही लास्ट रो में आएगा कर्सर को कुछ नहीं मिलेगा तो वो कर्सर क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा लूप में से. सो कर्सर ऑलवेज वर्क इन अ लूप, दैट लूप विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट रो एंड गोज अप टू द लास्ट रो. सो इट गोइंग टू इटरेट रो वन बाय वन, पहले रो के बाद वो जाएगा सेकेंड रो पे, देन थर्ड रो, देन फोर्थ, देन फिफ्थ. लाइकवाइज इट इज गोइंग टू फेच द डेटा रो बाय रो. एंड जैसे ही लास्ट रो पे जाएगा और उसके बाद उसको दिखेगा कि इस लास्ट रो और इसके बाद कोई भी डेटा नहीं है, तो ये जो भी लूप लगाया रहेगा ये डेटा को फेच करने के लिए, इस लूप से क्या हो जाएगा, वो बाहर आएगा. ओके, अब आपको रो बाय रो क्यों रीड करना है? ओके, सिलेक्ट स्टार में आप रो बाय रो रीड नहीं कर सकते, एट ए टाइम आपको पूरा डेटा दिखता है. आपको लग रहा है कि जो टेबल के अंदर डेटा है, फॉर एवरी रो, फॉर एवरी डेटा यू वॉन्ट टू अप्लाई सम कंडीशन, कि अगर ये कंडीशन को अगर मैच कर रहा है रो तो ये वाला चीज होना चाहिए, नहीं अप्लाई कर रहा है तो कुछ अलग होना चाहिए. सो हर रो के डेटा के ऊपर आपका डिसीजन जो है अगर वो डिपेंड है, तो दैट टाइम यू हैव टू लूप इट. आपको जो व्हाइल लूप लगाना है या फॉर लूप, मतलब लूप के अंदर काम करना है, सो दैट टाइम यू रिक्वायर टू यूज द कर्सर. सो आई होप यू अंडरस्टूड समवॉट. So cursor, it is a pointer to the context area, मतलब temporary area, and PLSQL controls this context or temporary area through cursor. A cursor holds the rows one or more returned by a SQL statement. हमेशा SQL statement जो use होता है cursor के लिए वो होता है select star from table name. तो जो भी output आएगा इस query का, वो जो आउटपुट है उसको कर्सर होल्ड करता है.
ओके एंड यू कैन राइट डाउन अ कर्सर इन अंडर द स्टोर्ड प्रोसीजर. कर्सर के लिए डायरेक्टली आप ऐसे नहीं लिख सकते हो क्रिएट कर्सर, जैसे हम लिखते क्रिएट ट्रिगर, क्रिएट प्रोसीजर, क्रिएट फंक्शन, क्रिएट टेबल, ऐसे ही आप कर्सर को डायरेक्ट नहीं लिख सकते. यू कैन नॉट डायरेक्टली क्रिएट अ कर्सर. यू हैव टू राइट डाउन द कोड ऑफ कर्सर इनसाइड योर स्टोर्ड प्रोसीजर. तो पहले आपको प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, प्रोसीजर क्रिएट करना पड़ेगा और प्रोसीजर के अंदर कर्सर का कोड लिखा जाता है. सो इट इज अ वन काइंड ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर. And cursor allows you to iterate a set of rows returned by a query or process, each row accordingly. Now there are basically two types of cursor, implicit cursor and explicit cursor. So implicit cursor is actually when you write down a query like insert, update and delete. जब आप MySQL prompt पे होते हो और when you write down insert query or update query or delete query. तो इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ कर्सर. लेकिन हमको बताना नहीं पड़ता है कि ये कर्सर है. मीन्स यू डोंट नीड टू डिक्लेयर दैट इट इज अ कर्सर. सो इट इज कॉल्ड एज अ इम्प्लिसिट कर्सर. बैकग्राउंड में आपका ओरेकल और MySQL क्या करता है, एक इम्प्लिसिट कर्सर बना के वो क्वेरी को रन करता है. एंड सेकेंड इज एन एक्सप्लिसिट क्वेरी. एक्सप्लिसिट कर्सर मतलब जो एक्चुअली क्लाइंट या फिर यूजर बनाता है और एक्सप्लिसिटली बताता है कि ये कर्सर है. ओके, यू हैव टू डिक्लेयर दैट कर्सर. यू हैव टू गिव द नेम टू द कर्सर. लाइक वाइज जब आपको कर्सर को नाम देना पड़ता है, आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, उसके लिए कोड लिखना पड़ता है, तो हम उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कर्सर. इम्प्लिसिट मतलब आपको यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये हमने कर्सर के लिए कोड लिखा है. ओके, ना कर्सर के लिए कुछ नाम होता है. तो बैकग्राउंड में SQL या MySQL आपके लिए वो कर्सर में उसको कन्वर्ट करता है. वी आर गोइंग टू सी और learn the explicit cursor today, because implicit cursor is used only when you are writing insert, update and delete queries. Okay, aapne theory mein padha hoga there are four kind of attributes you can use with the cursor: percent found, not found, row count, is open, but it only works in a oracle. In MySQL it is completely different. We are not going to use this one. Only ek ya do hi attribute use hote hai, sab nahi use hote hai. And we are only going to study the explicit cursor, क्योंकि MySQL इसको ही support करता है explicit cursor को, जिसमें आप actually इसको select query पे लिखते हो. So explicit cursor are a program defined cursor for gaining more control over the context area, and it is created on select statement. जब भी आप select statement लिखते हो और उसके ऊपर cursor बनाते हो तो हम उसको explicit cursor बोलते हैं. Explicit cursor includes the following step. जब आपको code लिखना है cursor का, so what steps you require to follow? Very first step is you have to declare the cursor for initializing the memory, जहाँ पे आपका output store होने वाला है. Then you have to open the cursor for allocating the memory. जैसे आप open करते हो तो memory allocate करती है और एक pointer वहाँ पे point करता है first row को. Then you have to fetch the data from that temporary memory and read it in your procedure to apply some code. So that is called as a fetching the cursor for retrieving the data from memory. Then apply some code on that. And last one is close the cursor to release the allotted memory. In MySQL, in explicit cursor, there are three types of again cursor: read-only cursor, non-scrollable cursor, and a sensitive cursor. So read only means you cannot update the data. इसमें सिर्फ आप data को table से read करते हो और उसका data show करते हो. That's it. You cannot make a real time updation by using cursor. And second one is a non-scrollable, where you can only fetch rows in the order determined by the select statement, but you cannot fetch rows in the reverse order. In addition, you cannot skip rows or jump to a specific row. इसमें आप data को fetch कर सकते हो, लेकिन इसमें आप कोई भी row को skip नहीं कर सकते हो. इसमें आपको sequence में ही जाना पड़ता है. First row के बाद second, second के बाद third, third के बाद fourth, likewise. आप descending order में start नहीं कर सकते हो. आप कोई भी row को ऐसे fetch मतलब skip करके नहीं जा सकते हो. Okay, and third one is an sensitive data, where there is a two kind of cursor: a sensitive cursor and insensitive cursor.
असेंसिटिव कर्सर पॉइंट्स टू द एक्चुअल डेटा, वेयर एज इनसेंसिटिव कर्सर यूजेस द टेम्पररी कॉपी ऑफ डेटा. जब आप सिंपल सिलेक्ट क्वेरी लिखोगे तो वो असेंसिटिव हो जाएगा, डायरेक्टली डेटा जो है उसको पॉइंट करेगा. बट जब हम एक्चुअल कर्सर लिख के सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे तो एक टेम्पररी एरिया बना के वो डेटा उसमें स्टोर करता है. ओके, सो दिस इज ऑल जस्ट अ थ्योरेटिकल पार्ट. वी विल मूव टुवर्ड एक्चुअल हाउ टू राइट डाउन अ कोड. सो व्हाइल यू आर राइटिंग अ कोड, द स्टेप्स यू हैव टू रिमेम्बर फॉर राइटिंग अ कर्सर इज, दीज आर द सिक्स स्टेप्स. ओके, इसका स्क्रीनशॉट निकालो या आप याद रख लो या बुक में लिख लो. वेरी सिंपल स्टेप. फर्स्ट स्टेप, डिक्लेयर द कर्सर. सेकेंड, ओपन द कर्सर. थर्ड, अप्लाय अ लूप टू फेच द डेटा इन अ इटरेटिव मैनर. ओके, फोर्थ वन, राइट डाउन अ फेच डेटा फ्रॉम कर्सर कोड. फोर्थ, फिफ्थ वन, जैसे उसको डेटा नहीं मिलेगा एग्जिट द लूप. एंड लास्ट वन इज क्लोज द कर्सर. सो दीज आर एक्चुअल सिक्स स्टेप्स दैट यू हैव टू रिमेम्बर. डिक्लेयर कर्सर, ओपन कर्सर, लूप टू द कर्सर, फेच द डेटा फ्रॉम कर्सर, एग्जिट द लूप एंड क्लोज द कर्सर. Now you'll see the syntax of each and every statement. कि when you want to declare, जैसे हमने ये छह steps देखे, तो हर step के लिए syntax क्या है वो हम देखेंगे. So very first, how to declare the cursor? Very simple it is. पहले आपको declare statement लिखना है. After declare, you have to give the name to the cursor. Then cursor for and you have to write down the select statement. For example, अगर लो कि मुझे स्टूडेंट टेबल के ऊपर कर्सर बनाना है. ओके, सो दैट टाइम हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन, डिक्लेयर द कर्सर, आपको लिखना पड़ेगा लाइक यहाँ पे हम लिखेंगे डिक्लेयर. ओके, कर्सर का कोई भी एक नाम दे दो. जैसे मैंने C1 नाम दे दिया, तो मैंने बोला डिक्लेयर कर्सर का नाम C1 है. C1 क्या है? इट इज अ वन काइंड ऑफ कर्सर, क्योंकि डिक्लेयर आप वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए भी यूज करते हो. तो इसके लिए हम बता रहे हैं कि C1 इज अ वन काइंड ऑफ कर्सर. फॉर किसके लिए आपने ये कर्सर बनाया है, तो आप क्वेरी लिखोगे. जैसे मैंने यहाँ पे क्वेरी लिख दिया है कि लाइक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड. तो हमने बताया कि पहले ये क्वेरी को रन करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. इसका जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट आप एक जगह पे स्टोर करो. ओके, और ये आउटपुट जो है इसके ऊपर हमको क्या करना है, एक कर्सर अप्लाई करना है जो एक पॉइंटर का काम करेगा. और उस कर्सर का नाम क्या रहेगा, द कर्सर नेम विल बी C1. सो वेरी सिंपल, डिक्लेयर कर्सर का कोई भी एक नाम दे दो, आगे कर्सर लिख दो फॉर, और जिस टेबल के ऊपर आपको बनाना है सिलेक्ट के अंदर वो टेबल का नाम लिखो. आपको लग रहा है पूरा डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ दो कॉलम चाहिए, तो आप लिखोगे सिलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूड. तो सिर्फ ये दो कॉलम ही क्या करेगा, वो रीड करके यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर और नेम, दो ही कॉलम की वैल्यूज क्या करेगा, वो स्टोर करेगा यहाँ पे. आफ्टर डिक्लेयर कर्सर, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ओपन कर्सर. तो वेरी सिंपल, अगर आपने कर्सर का नाम C1 लिखा है, तो आपको लिखना है खाली ओपन एंड C1, कर्सर का नाम लिख दो, ओपन C1, दैट्स इट. तो एक्चुअली कर्सर ओपन होता है मतलब वो मेमोरी उसको अलोकेट हो गई है, आपका पॉइंटर फर्स्ट रो को लग गया है. देन नेक्स्ट वन इज लूप स्टेटमेंट. सो हियर लूप इज अ वेरी सिंपल लूप. इट्स लाइक योर फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, सेम लूप, जिसमें इटरेट होता है रो बाय रो, वन रो एट अ टाइम, और ये तब तक चलता है जब तक उसको लास्ट रो नहीं मिलता है. ओके, सो इट इज अ सिंपल लूप. लूप को आपको कोई तो एक लेबल देना पड़ता है. जैसे हम फॉर लूप में लिखते हैं फॉर आई इक्वल टू जीरो, लाइकवाइज आई इज अ लेबल. सो आप कोई भी एक लेबल दे सकते हो जो उस लूप के लिए हम यूज करेंगे, और उसके अंदर आपको लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखने हैं, एसक्यूएल स्टेटमेंट और एनी क्वेरी स्टेटमेंट, राइट डाउन दैट. एंड एंड में यू हैव टू एंड द लूप, अगेन एंड लूप, एंड यू हैव टू गिव द लेबल नेम. जैसे अगर मैंने लेबल का नाम, सपोज आई हैव गिवन द लेबल नेम एज E1, सो आई हैव टू यूज E1 कोलन लूप स्टेटमेंट लिस्ट एंड लूप, एंड अगेन यू हैव टू यूज हियर E1. सो लाइकवाइज यू कैन स्टार्ट एंड एंड द लूप. तो थर्ड syntax is how to loop inside your cursor. Then loop के अंदर एक fixed statement जो होता है, जो आपको हमेशा लिखना है loop के अंदर, वो होता है fetch statement.
क्योंकि आप रो वन बाय वन रीड करने वाले हो तो ये लूपिंग में मतलब फॉर लूप के जैसा चलेगा. तो लूप के अंदर आपको एक स्टेटमेंट लिखना, दैट इज फेच. फेच कर्सर का जो भी नाम दिया रहेगा, जैसे अगर मैंने C1 दिया है सो फेच C1 इनटू, जैसे C1 का डेटा आपको किसी वेरिएबल में PLSQL के वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है. सो जैसे अगर आप बोलोगे कि लाइक इन दिस एरिया हमारा जो कर्सर है, ओके कर्सर का नाम मैंने C1 दे दिया है एंड आई हैव स्टोर्ड द डेटा इन अ कर्सर फ्रॉम टेबल स्टूड. मैंने जो क्वेरी लिखा था कर्सर के वो था सिलेक्ट आर नंबर एंड सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट. तो इसका मतलब कर्सर के अंदर दो टाइप का डेटा चला गया है. एक चला गया है रोल नंबर का डेटा एंड सेकेंड चला गया है नेम का डेटा जो स्टूड टेबल से है. ओके तो अगर इसमें 5 रोज होंगे इस टेबल के अंदर तो इसके अंदर 5 रोज चले जाएंगे, 1 2 3 4 5. सपोज रोल नंबर 1 2 3 4. तो अब यहाँ पे अगर मैंने टू कॉलम्स है जो कर्सर के अंदर स्टोर है, तो जब मुझे प्रोसीजर के अंदर जब मैं एक्चुअल कोड लिखूंगी कर्सर का, तो मुझे मैं डायरेक्टली कर्सर के वैल्यू पे कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती हूँ. कर्सर के अंडर का जो डेटा रहेगा जो यहाँ पे डिक्लेयर किया, उस डेटा को मुझे वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा. तो मुझे दो वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे. सपोज मैंने एक वेरिएबल ले लिया आर नंबर 1 ले लिया एंड सेकेंड वेरिएबल ले लिया लाइक नेम 1 ले लिया. ओके तो ये दो वेरिएबल हमारे PLSQL के वेरिएबल होंगे जो आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे. और फेच स्टेटमेंट क्या करेगा, इस कर्सर के अंदर से C1 के अंदर से ये दोनों वेरिएबल की जो भी वैल्यूज रहेगी, जैसे यहाँ पे अगर रोल नंबर 1 है और यहाँ पे कुछ नेम A है, तो ये दोनों वैल्यू रीड करेगा. 1 ये वैल्यू जाएगी आर नंबर के अंदर इस वेरिएबल के अंदर, और नेम की वैल्यू जाएगी नेम 1 ये वेरिएबल के अंदर. ओके सो वेरी फर्स्ट स्टेप इज डिक्लेयर द कर्सर, सेकेंड ओपन अ कर्सर, थर्ड लूप. लूप के बाद कर्सर के अंदर का जो भी डेटा है वो हम रीड करेंगे और PLSQL के वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे. अगर आपके कर्सर में आपने 3 कॉलम्स का डेटा स्टोर किया है तो आपके पास 3 वेरिएबल्स होने चाहिए. सो फर्स्ट कॉलम का डेटा जाएगा फर्स्ट वेरिएबल के अंदर, सेकेंड कॉलम का डेटा सेकेंड वेरिएबल, थर्ड कॉलम का डेटा थर्ड वेरिएबल. सो कर्सर में जितने कॉलम्स है उतने ही वेरिएबल आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे. कर्सर का डेटा रो बाय रो फेच होके वो कॉलम बाय कॉलम आपके वेरिएबल में क्या होता है, इट इज गेट स्टोर्ड बाय यूजिंग अ फेच स्टेटमेंट. एंड लास्ट यू हैव टू क्लोज द कर्सर. ये इसके बाद आपका क्लोज एंड कर्सर का नाम देना है लाइक C1. ओके एंड हियर वेरी इंपॉर्टेंट हैंडलर यू हैव टू यूज और एट्रीब्यूट यू हैव टू यूज इज अ नॉट फाउंड हैंडलर. नॉट फाउंड क्या करता है कि जब आप फेच करते हो डेटा कर्सर से, तो ये फेच स्टेटमेंट कब तक चलेगा, जब तक उसको डेटा मिल रहा है, फाउंड हो रहा है कर्सर के टेम्पररी एरिया में. जैसे ही उसको एरिया मिलना, डेटा मिलना स्टॉप हो जाएगा, कुछ भी डेटा नहीं मिलेगा, ऑल डेटा इज रीड, ऑल डेटा फेच हो गया है. ओके लास्ट रो पे आ गए तो अब उसको डेटा नहीं मिलेगा. इसका मीनिंग क्या हो गया, नॉट फाउंड, ही हैज नॉट फाउंड एनी मोर डेटा. तो टाइम पे जैसे नॉट फाउंड ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो लूप से क्या करना पड़ेगा, कर्सर को बाहर निकलना पड़ेगा. ओके सो फॉर दैट ही हैज टू यूज द नॉट फाउंड हैंडलर जो लूप के अंदर हमको यूज करना पड़ता है. सो हाउ टू डिक्लेयर द नॉट फाउंड हैंडलर, वेरी सिंपल. यू हैव टू यूज डिक्लेयर कंटिन्यू हैंडलर फॉर नॉट फाउंड सेट एग्जिट लूप इक्वल टू ट्रू. इसका मीनिंग क्या है कि जैसे नॉट फाउंड ए कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मिल जाएगी, ओके तो जो भी आपने लूप लगाया होगा उस लूप के लिए एग्जिट लूप की वैल्यू क्या करो, ट्रू करो, मतलब लूप से बाहर आ जाओ. फॉर लूप, व्हाइल लूप, सिंपल लूप, जो भी लूप है उसमें से क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा जैसे उसको डेटा नहीं मिलेगा. सो दिस इज अ सिंपल सिंटैक्स फॉर नॉट फाउंड हैंडलर. ओके सो हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स, how your cursor get works, very simple. First declare cursor, then open a cursor, then fetch a cursor. लेकिन अगर आप देखोगे ये fetch कैसे चल रहा है, loop में चल रहा है. okay इसके लिए fetch के पहले हमको loop का statement लिखना पड़ेगा. okay और जैसे ही data empty हो जाएगा, okay तो you have to come from the loop.
ओके लुक से एग्जिट होना पड़ेगा एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू क्लोज द कर्सर. सो दिस इज सिंपल फ्लो चार्ट हाउ योर कर्सर विल वर्क. ओके सो वी विल सी अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल हियर. मैं दूसरा एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे कमेंट्स है सो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. हम सिंपल वाला दूसरा कोड लेते हैं जिसमें मैंने कुछ कमेंट नहीं डाले हैं. ओके यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू राइट डाउन अ कोड. देखो कर्सर को हम डायरेक्टली डिक्लेयर नहीं कर सकते. ओके ऐसे नहीं लिख सकते हम क्रिएट कर्सर. कर्सर के लिए हम क्रिएट कैसे करते हैं, डिक्लेयर करते हैं. तो कर्सर इज अ वन काइंड ऑफ वेरिएबल. तो हम वेरिएबल को आइदर प्रोसीजर या फंक्शन के अंदर ही लिख सकते हैं. ओके बट वी डोंट हैव टू रिटर्न एनीथिंग. हमको आउटपुट ये डायरेक्ट रिटर्न नहीं करना है, टेबल के ऊपर कुछ परफॉर्म करना है. एंड कर्सर इज अ वन काइंड ऑफ प्रोसीजर. तो कर्सर का कोड हम प्रोसीजर के अंदर लिखते हैं. सो वी हैव टू स्टार्ट विद द स्टेटमेंट क्रिएट प्रोसीजर. कोई भी प्रोसीजर का नाम दे दो कि यहाँ पे कोई पैरामीटर हमने पास नहीं किया. सो इट इज कॉल्ड एज द अनपैरामीटर पासिंग. ऐसे आप पैरामीटर पास करके भी कर्सर लिख सकते हो. सो क्रिएट प्रोसीजर एनी नेम ऑफ द प्रोसीजर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट देन सेकेंड स्टेटमेंट इज अ बिगिन. ओके अब यहाँ पे मैं पहले कर्सर बताती हूँ और उसके बाद यह स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स एक्सप्लेन करती हूँ. अब मैंने यहाँ पे कर्सर को कैसे डिक्लेयर किया है. डिक्लेयर कर्सर का नाम लिया है C1. यू कैन यूज एनी नेम. सो डिक्लेयर C1. सो C1 इज अ वन काइंड ऑफ कर्सर. इसके लिए मैंने बोला डिक्लेयर C1 कर्सर फॉर. यहाँ पे हमेशा याद रखो फॉर के बाद सिलेक्ट स्टेटमेंट आता है. तो मैंने सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखा है सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल. तो एम्प्लॉय टेबल के ऊपर हमने कर्सर बनाया. बट एम्प्लॉय टेबल में बहुत सारे फील्ड है बट आई हैव चूजन ओनली 2 फील्ड एम्प्लॉय नंबर एंड सैलरी. ओके और ये क्वेरी का जो भी आउटपुट आएगा वट एवर द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी. तो ये क्वेरी का जो भी आउटपुट है वो एक टेम्पररी एरिया में स्टोर हो जाएगा. और इस एरिया को हमने नाम क्या दे दिया अभी यहाँ पे इसको कर्सर का नाम दे दिया है C1. ओके तो अभी C1 में कितने कॉलम स्टोर होने वाले हैं एम्प्लॉय टेबल के. 2 कॉलम्स. एक स्टोर होने वाला है एम्प्लॉय नंबर का कॉलम स्टोर होने वाला है और दूसरा कॉलम स्टोर होने वाला है सैलरी का कॉलम. ओके बिकॉज इसका आउटपुट जो रहेगा इट इज अ लाइक अ कर्सर. तो आउटपुट में 2 कॉलम दिखने वाले. ओके तो अब हमको जब भी प्रोसीजर के अंदर इस कर्सर के अंदर इस डेटा को रीड करके उसके ऊपर कुछ परफॉर्म करना है. सो यू हैव टू सी हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन अ कर्सर. 2 कॉलम्स आर देयर. तो मुझे ये 2 कॉलम के लिए 2 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे. तो इसके लिए हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं. फर्स्ट डिक्लेयर ई नंबर को स्टोर करने के लिए मैंने एक ई नंबर 1 नाम का वेरिएबल लिया है डेटा टाइप इंटीजर एंड 3. और इसके अंदर की जो सैलरी है सैलरी स्टोर करने के लिए हमने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया है sal1 एंड int एंड कुछ भी वैल्यू आप जो साइज है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो. ओके सो डिपेंड ऑन योर कर्सर हाउ मेनी कॉलम्स यू आर स्टोरिंग इन दैट कर्सर. फॉर एवरी कॉलम यू रिक्वायर 1 वेरिएबल टू स्टोर दैट डेटा. ये हमेशा याद रखो. तो ये 3 स्टेप हमेशा लगने वाले. तो पहले वेरिएबल डिक्लेयर होगा उसके बाद कर्सर डिक्लेयर होगा. आफ्टर दैट अगेन यू हैव टू डिक्लेयर अ एग्जिट लूप. क्योंकि आपको पता है कि जैसे डेटा फाउंड नहीं होगा तो एग्जिट लूप हो जाना चाहिए. तो एग्जिट लूप की वैल्यू 2 होगी आइदर ट्रू और फॉल्स. मतलब एग्जिट लूप ये करना है या नहीं करना है. सो यस एंड नो. इसके लिए डिक्लेयर किया हमने एक वेरिएबल एग्जिट लूप नाम का. आप कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे. एग्जिट लूप याद समझने के लिए इजी होना चाहिए. इसके लिए दिया और इसका डेटा टाइप हमने लिया है बुलियन. बिकॉज इसकी वैल्यू होगी आइदर ट्रू और इट विल बी आइदर फॉल्स. देन लास्ट डिक्लेरेशन इज डिक्लेयर कंटिन्यू हैंडलर फॉर Not found set exit loop equal to true. जिसमें हम ये बता रहे हैं कि जब तक डेटा मिल रहा है तब तक आप लूप से एग्जिट मत हो. बट जैसे नॉट फाउंड डेटा अगर आपको फाउंड नहीं होता है तो एग्जिट लूप की वैल्यू ट्रू हो जाएगी. और डेटा मिलता है तो हमने बोला है कंटिन्यू हैंडलर. कंटिन्यू मतलब जो आपका कोड है उसको कंटिन्यू मतलब लूप को कंटिन्यू करते रहो. और जैसे डेटा फाउंड नहीं होगा लूप से क्या होना है हमको एग्जिट होना है. इसके लिए एग्जिट लूप की वैल्यू हम क्या करेंगे वहां पे ट्रू को सेट कर देंगे. ओके सो फर्स्ट हाफ पार्ट आई होप यू अंडरस्टूड. सबसे पहले क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम दो देन बिगिन. फिर आपको जो कर्सर लिखना है वो आप याद रख लो कि जैसे डिक्लेयर कर्सर
फॉर सिलेक्ट के अंदर आप कितने कॉलम यूज करने वाले हो, कौन से टेबल के, जितने कॉलम्स आप यूज कर रहे हो हर कॉलम के लिए आपको एक डिक्लेयर स्टेटमेंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा ताकि उसका डेटा आप स्टोर कर सको. लाइक ई नंबर स्टोर करने के लिए हैव यूज्ड हियर ई नंबर वन, सैलरी स्टोर करने के लिए हैव यूज्ड हियर सैल वन. देन हमारा लूप जो है, लूप में से हमको बाहर निकलना है, इसके लिए हमने एक वेरिएबल और डिक्लेयर करना है. ये हमेशा हर कोड में ये तीन स्टेप आपको हमेशा लगने वाली है. खाली चेंज क्या होगा, ये वाला कोड चेंज होगा, दैट्स इट. और यहाँ पे ये चेंज किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, आप यहाँ पे कौन से वेरिएबल रीड कर रहे हो. ओके, सो नेक्स्ट इज डिक्लेयर एग्जिट लूप, उसका डेटा टाइप बुलियन हो जाएगा. अगेन डिक्लेयर कंटिन्यू हैंडलर फॉर नॉट फाउंड सेट एग्जिट लूप इक्वल टू ट्रू. ओके, ये हो गया ऑल डिक्लेरेशन पार्ट. एक बार डिक्लेयर हो गया, सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज टू डिक्लेयर द कर्सर, सेकेंड इज ओपन अ कर्सर. तो कर्सर का नाम हमने यहाँ पे लिया है C1. सो हमने लिख दिया ओपन C1. अब कर्सर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, मतलब जो भी आउटपुट है आपके कर्सर में यहाँ पे स्टोर हुआ है, अब यहाँ पे एग्जैक्टली पॉइंटर फर्स्ट रो को लग जाएगा तुम्हारे, जब आप कर्सर को ओपन करते हो. उसके बाद आपको इटरेट करना है क्योंकि आपको रो वन बाय वन रो रीड करना है और डेटा फेच करना है. सो फॉर दैट यू रिक्वायर अ लूप. तो कोई भी एक लेबल दे दो, यहाँ पे हमने बोल दिया आई एम यूजिंग अ लूप हियर, यू कैन यूज एनी नेम हियर. ये खाली एक लेबल है उस लूप के लिए. सो हियर लूप, लूप के आगे एक लेबल लगा दिया. ओके, हमने बोल दिया कि अब ये लूप में डेटा स्टार्ट हो गया. लूप में मुझे क्या करना है, कर्सर के अंदर जो भी डेटा स्टोर हुआ है, ओके, वो डेटा मुझे इस वेरिएबल में स्टोर करना है. मतलब ई नंबर स्टोर होना चाहिए ई नंबर वन के अंदर, सैलरी स्टोर होना चाहिए सैल वन के अंदर. इसके लिए हमने बोला फेच C1. C1 के अंदर जो भी रो है ये रो बाय रो फेच करता है. फर्स्ट रो का डेटा फेच करेगा, उसको दिखेगा फर्स्ट रो में टू वैल्यूज है, एक ई नंबर की और एक सेल वन की. तो हमने बोला ई नंबर की वैल्यू डाल दो ई नंबर वन के अंदर, सेल की वैल्यू डाल दो सेल वन के अंदर. सो फेच C1 इनटू ई नंबर वन एंड सेल वन. तो कर्सर का डेटा ई नंबर वन और सेल वन में स्टोर हो गया. ओके, दैट्स इट. और उसके बाद जो भी वैल्यू स्टोर हुई है ये मुझे यूजर को सिर्फ प्रिंट करनी, एकदम सिंपल कर्सर बता रही हूँ. अभी हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया इस डेटा के ऊपर, हमने खाली क्या किया, कर्सर का डेटा रीड किया और वो डेटा जो भी है वो यूजर को प्रिंट किया. प्रिंट करने के लिए हम स्टेटमेंट यूज करते हैं सिलेक्ट. सिलेक्ट के आगे मैंने ई नंबर एंड सेल वन लगा दिया. ओके, तो डिक्लेरेशन के बाद ओपन कर्सर, उसके बाद फेच, बट फेच हमेशा लिखा जाता है लूप स्टेटमेंट के बाद ही. ओके, और उसके बाद जो डेटा आपने फेच किया उस डेटा के ऊपर आपको इफ लूप लगाना है, अपडेट करना है. ओके, जो भी आपको करना है यू कैन डू. हियर आई हैव जस्ट सिंपल प्रिंटेड दैट डेटा, सो आई हैव यूज्ड द सिलेक्ट स्टेटमेंट. अब ये कब तक करते जाना है, कब तक वो रीड करेगा डेटा को, जब तक उसको डेटा मिल रहा है. जैसे डेटा नहीं मिलेगा उसको लूप से बाहर आना है. तो इसके लिए हमने एक कंडीशन लगा दिया इसके बाद, इफ एग्जिट लूप देन. मतलब क्या, अगर एग्जिट लूप की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, ये वैल्यू ट्रू कब होगी, जब उसको डेटा फाउंड नहीं होगा. ओके, सो जैसे ही उसको डेटा फाउंड हो रहा है तब तक उसकी वैल्यू फॉल्स है. और जैसे ही इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू. जैसे ही ट्रू हो गया हमने क्या बोला, कर्सर को क्या करो, क्लोज कर दो, क्योंकि डेटा खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया. सो क्लोज द कर्सर. फिर इस लूप से भी बाहर आना है हमको, सो हमने बोल दिया लीव ईएमपी लूप, इस लूप से बाहर आ जाओ. ओके, और इस इफ को हमने एंड इफ कर दिया. ओके, लूप से बाहर आ गया लेकिन लूप को हमने एंड नहीं किया है. सो लास्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, एंड लूप, और लूप का नाम क्या है, ईएमपी लूप. तो हमने ईएमपी लूप जो है उसको क्या कर दिया, यहाँ पे एंड कर दिया है. सो हियर दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कर्सर. एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड स्टूडेंट. ओके, इन सेकंड एग्जाम्पल, जब हम रो बाय रो डेटा को रीड कर रहे हैं, अगर फर्स्ट रो जो है उसमें हमने चेक किया कि सैलरी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 45,000 है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा सॉरी ईएमपी आ जाएगा. तो हमने एम्प्लॉई टेबल को अपडेट किया, सैलरी को कितने से इंक्रीज किया, 5,000 से इंक्रीज कर दिया. एल्स मतलब क्या, 45,000 से अगर लेस सैलरी है तो हमने क्या किया, सैलरी के वैल्यू को खाली क्या किया, 1,000 से इंक्रीज किया. अब यहाँ पे हमने रो बाय रो रीड किया, उसके वैल्यू को चेक किया,
चेक करने के बाद उसके हर एक रो के वैल्यू के चेक करने के बाद जो भी आउटपुट आएगा उसके ऊपर से हमने अपडेट की क्वेरी लिखी है. ओके तो अब हम देखेंगे कि ये क्वेरी कैसे रन होता है. देखो बीच में से ही शायद हमारा जूम एंड हो जाएगा बिकॉज 1 मिनट ही बाकी है तो सबने वापस रीजॉइन करना है. सो वी विल जस्ट मेक अ चेंजेस इन द कोड. पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि सिलेक्ट स्टार करके दिखाती हूँ टेबल की वैल्यूज क्या है यहाँ पे. सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP. ओके 45,000 के ऊपर कितने लोग हैं हमारे इसमें. सो 1, 2, 3. ओके सो 3 ही रोज है जो 45,000 के ऊपर है. मतलब इसके बाद जब हम ये कर्सर लिखेंगे तो अमिता की सैलरी 75 होनी चाहिए, भाविका की 55 एंड दीपा की होनी चाहिए 95 और बचे हुए बाकी जितने भी लोग हैं उनकी सैलरी खाली 1000 से इंक्रीज होनी चाहिए. सो जहाँ पे 8000 है वहाँ पे 9000 हो जाएगा, जहाँ पे लाइक 30,000 है वहाँ पे 31,000 हो जाएगा. तो जिनकी सैलरी 45,000 से ग्रेटर है उनकी सैलरी 5000 से इंक्रीज होगी, जिनकी सैलरी 45,000 के ग्रेटर इक्वल और लेस है तो उनकी सैलरी 1000 से इंक्रीमेंट करनी. ऐसा कर्सर हम लिखने वाले, ऐसा कोड हम लिखने वाले हैं. सो यहाँ पे